झाबुआ जिले के बामनिया पुलिस चौकी क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। बता दें आपको, एसपी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बामनिया चौकी के प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं प्रभारी को पेटलावत थाने भेज दिया गया है। विगत चार दिनों से बामनिया चौकी में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तीन दिन पूर्व जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिस पर बामनिया पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पीड़ितों ने पेटलावत थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अलावा दीपावली के दिन शराबियों ने उत्पाद मचाया, यहाँ तक कि पुलिस की वर्दी तक पर भी हाथ डाल दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बामनिया चौकी क्षेत्र में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी रुक्मणी अहरवार को पेटलावत थाने में पदस्थ किया है। तो वहीं चौकी के प्रधान आरक्षक अरुण गोयल को लाइन अटैच कर दिया गया है। लक्ष्मी, हम बामनिया पुलिस स्टेशन शाम को गए थे तो हमने यहाँ पे बहुत लड़ाई हुई थी, तो हमने बोला कि उन्होंने हमको भगा दिया वहाँ से, कि बोला बामनिया पुलिस स्टेशन वालों ने बोला कि तुम्हारी कार्रवाई हम नहीं करेंगे, पेटला जाओ, और वहाँ से उन्होंने भगा दिया गोदड़िया वालों ने। हाँ, ये सब घायल हो गए, काना जित्तू गीता सब। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, डरा कि हाँ अभी आए थे, डरा धमका के हमको भगा दिया उस दिन। अभी आए थे बोल रहे पुलिस स्टेशन पे आओ। हाँ, मेरे को अकेले कोई बुलाते, दूसरों को मत बुलाएं बोलते। दिनेश बामनिया, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि शाम को 6 बजे आए थे 4-5 जने, उनने हमको मारा, मतलब दूसरों को मार रहे थे तो मैंने बचाया, तो मेरे को भी मारी उनने। छोटे छोटे बच्चों को मार रहे थे वो, तो मैंने बोला इनको मत मारो, बड़े को भले मारो यूँ, तो उनने मेरे को भी मारी। किस बात पर हुआ विवाद, बताएं आपको क्यों आखिर? ये मेरे को मालूम नहीं है, ये इन मार से पूछो बैठे सो। और जो पुलिस के पास आप लोग गए थे, पुलिस आपको ले गई थी, तो क्या उन्होंने कोई आपको अभी तक कोई कार्रवाई की सामने? नहीं, कही कार्रवाई नहीं की, रिपोर्ट भी नहीं लिखी उनने। सामने वाला रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे। झाबुआ से श्वाबर मंसूरी की रिपोर्ट।